हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ CSS3 की प्रॉपर्टी जिसका नाम है वाइट स्पेस। तो गाइस, वाइट स्पेस करता क्या है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, इसकी मैंने हाइट नहीं दे रखी है, इसकी हाइट जो है ऑटो है। तो गाइस, मान लीजिए मेरे पास से अगर ये इतना बड़ा टेक्स्ट है, मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है। तो गाइस, अगर हमारे पास यूज़र की रिक्वायरमेंट आती है कि वो चाहता है कि इस बॉक्स के अंदर ही ये मेरा एक सीधी लाइन में यहाँ पर मेरा ये टेक्स्ट आ जाए, तो गाइस उसको हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं CSS3 की प्रॉपर्टी जिसका नाम है वाइट स्पेस। तो गाइस, मैं यहाँ पर एक डिवीजन क्रिएट कर लेता हूँ और डिवीजन की आईडी में देता हूँ यहाँ पर बॉक्स। अब इस बॉक्स को मैं ऊपर गेट करा लेता हूँ और इस बॉक्स के मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल्स। साथ ही मैं इसकी हाइट दे देता हूँ ऑटो, मैंने इसकी हाइट दी ऑटो। और बॉर्डर कलर मैं इसका दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड वॉयलेट, यहाँ पर वॉयलेट कलर का मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो गाइस, अब क्या होगा अगर इसके अंदर मैं ये टेक्स्ट को कॉपी कर लूँ और यहाँ पर आकर मैं इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ और इसको अब रिफ्रेश करता हूँ, इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ सॉरी। तो गाइस, देखा आपने मेरे पास ये सेम टेक्स्ट आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक ही लाइन के अंदर लेकर आना। अगर यूज़र की डिमांड आती है कि वो बॉक्स की विड्थ इतना ही रखना चाहता है और हाइट सिर्फ एक लाइन के बराबर रखना चाहता है, बट सारा टेक्स्ट को वो एकदम सिंपल एक ही लाइन में दिखाना चाहता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं CSS3 प्रॉपर्टी वाइट स्पेस। अब वाइट स्पेस के अंदर हमारे पास वैल्यू आती है नो रैप और प्री। तो नो रैप यहाँ पर क्या करता है, तो जैसे ही मैं इसको नो रैप कर दूंगा और रिफ्रेश करूंगा, तो गाइस देखा आपने कि मेरा जो भी कंटेंट है वो इस बॉक्स से बाहर आकर एक सीधी लाइन में यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। बट इससे क्या हुआ है, मेरे पास ओवरफ्लो हो चुका है ये। तो ये क्या कर रहा है, मेरे 100% क्रोम से ये बाहर, मतलब जो भी मेरा ये डॉक्यूमेंट है, बॉडी है, तो ये से बाहर ओवरफ्लो कर रहा है। तो गाइस, इसको तो हम यहाँ पर रोक सकते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को लिखकर। तो ओवरफ्लो में यहाँ पर लिखूंगा हिडन। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस देखा आपने कि एक बॉक्स के अंदर मेरा सारा टेक्स्ट शो हो चुका है। गाइस, ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई यूज़र की रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे एक छोटे बॉक्स के अंदर सिर्फ एक लाइन के अंदर हमें यहाँ पर टेक्स्ट को शो कराना है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस दैट के आगे डॉट लगा सकते हैं और जैसे मैं और इसकी थोड़ी सी यहाँ पर विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर विड्थ बढ़ाई, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं 208 पिक्सल्स और यहाँ पर इसके डॉट्स यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, तो गाइस अभी ऐसा लग रहा है कि इसके आगे फर्दर भी हमारे पास कुछ टेक्स्ट है। तो आप यहाँ पर एक रीड मोर का ऑप्शन लगा सकते हैं और आप उस पेज पर यहाँ पर इसको भेज सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा एक पोस्ट की तरह काम करेगा। तो जो भी हम यहाँ पर ब्लॉक के पोस्ट यहाँ पर रेडी करते हैं, तो वो यहाँ पर एक बटन लगा लेता है रीड मोर का, और रीड मोर के बटन पे क्या करेगा, जो भी इस पेज पे हम जाना चाहते हैं तो उस पर वो क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर वाइट स्पेस नो रैप की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब गाइस, यहाँ पर दूसरी वैल्यू आती है प्री। तो गाइस, प्री क्या करता है, तो HTML वाली प्लेलिस्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास एक प्री टैग होता है। तो प्री टैग जो करता है वो, जैसे अगर हम प्री टैग को मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, तो प्री टैग के अंदर हम जैसे भी टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ स्पेस डालें या कैसे भी लिखें, लाइन यहाँ पर एंटर मार दें या जिस भी तरीके से हम यहाँ पर इस टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, वैसा ही टेक्स्ट मेरा यहाँ पर ये शो होता है। तो गाइस, देखा आपने कि साइड से स्पेस आ रहा है, जितना स्पेस मैंने वहाँ पर दिया था उतना ही स्पेस मेरा यहाँ पर ये ले रहा है। मैं इनका स्पेस यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और जैसे रिफ्रेश करूँगा, तो गाइस देखा आपने कि मेरा कंप्लीट स्पेस यहाँ से इसने रिमूव कर दिया, और जितना मैं इस पर यहाँ पर स्पेस देता हूँ वैसे मेरे पास ये उतना स्पेस ले लेता है। अगर ये गाइस मैं नॉर्मल टैग के अंदर करता है तो HTML मेरा ये स्पेस को नहीं मानता, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्री टैग का। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस देखा आपने वो सिंपल मेरा जो भी है एक सिंगल स्पेस के साथ इसने उसको टेक्स्ट को एक लाइन में कर दिया। तो गाइस, इसी फंक्शनैलिटी को हम बोलते हैं यहाँ पर प्री टैग। तो यही वैल्यू हमारी आती है यहाँ पर नो वाइट स्पेस के अंदर। तो वाइट स्पेस के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्री टैग, तो अब वो क्या करेगा, इस बॉक्स को यहाँ पर प्री टैग की तरह यहाँ पर वर्क करेगा। तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा, तो गाइस देखा आपने इसने इसको प्री टैग की तरह वर्क करा। मैं यहाँ से इसका ओवरफ्लो रिमूव मार देता हूँ,
रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने, इसने मेरा प्री टैग की तरह काम करा। तो प्री टैग की तरह काम करा तो इसका जो भी हमारे पास टेक्स्ट है वो इसने क्या करा यहाँ पर, उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका अगर मैं स्पेस यहाँ से रिमूव कर दूँ, इसका मैं यहाँ से स्पेस रिमूव कर दूँ और इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र पर जाता हूँ। तो गाइस देखा आपने कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ था टेक्स्ट पे, वैसे ही मेरा यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो गाइस इसी तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एंटर मारा था तो यहाँ पर एंटर आ चुका है, और जैसे ही मैंने डिस्ट्रैक्टेड को एक स्पेस दे के लिखा है, वही मेरा डिस्ट्रैक्टेड यहाँ पर स्पेस दे के आ चुका है। अब मैं अगर वैन के आगे स्पेस मारूँ, लॉरम इप्सम से पहले स्पेस मारूँ, डिस्ट्रीब्यूशन पे स्पेस मारूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर स्पेस मारूँगा उस तरीके से मेरा यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। तो देखा आपने कि दोनों साइड यहाँ पर एक स्पेस भी आया क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस दे रखा है। तो गाइस इस तरीके से हम नो रैप और प्री यहाँ पर वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं CSS के प्रॉपर्टी वाइट स्पेस पे। और यहाँ पर मैं मेकिंग के बाद भी एक स्पेस लेकर दिखाता हूँ, सॉरी एंटर, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने जिस तरीके से मैंने वहाँ पर लिखा, वैसा ही मेरे पास ये शो हो चुका है। सो गाइस इस वीडियो में आपने देखा कि हम वाइट स्पेस प्रॉपर्टी का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।